हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नकल जॉइंट्स की असेंबलिंग है वो कैसे की जाती है तो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा नकल ज्वाइंट का, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स यानी जो नकल ज्वाइंट है उनके खोले हुए हैं, इनको आपको असेंबल करना है यानी इनको जोड़ना है, उसके बाद कंप्लीट्स आपको एक नकल ज्वाइंट बनाना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अभी नीचे दिए गए असेंबलिंग नकल ज्वाइंट की दी हुई है, अलग अलग पार्ट्स के डायमेंशन के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको इसका फ्रंट व्यू भी बनाना है और टॉप व्यू भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नकल ज्वाइंट की जो असेंबलिंग जो पार्ट्स अलग अलग खोले हुए हैं उनके ड्राइंग आपको पहले सबसे अच्छी तरह रीड करना है, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है भी नकल जो ज्वाइंट है वो कैसे आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, नंबर एक पे देखेंगे फोरक एंड सीएस नंबर वन, ठीक है। फोरक एंड के इसको बोलते हैं, देखिए यू आकार का एक आपको जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं फोरक एंड, ठीक है। उसके बाद में देखिए सीएस का मतलब क्या है, कास्ट स्टील, ठीक है। और नंबर वन यानी ए की पार्ट्स इसके अंदर दिया हुआ है। अगर इस पार्ट्स को यानी फोरक एंड को अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अगर टॉप व्यू से अगर हम इसको देखते हैं, ऊपर से अगर हम देखेंगे इस साइड से ऊपर से, तो ये पॉइंट हमें बिल्कुल ऐसा नजर आएगा और ये बिल्कुल इस तरह आपको दिखाई देगा। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फोरक एंड है ये यहां से यहां 20 mm है और ये 30 mm है और ये 20 mm है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए आर का मतलब क्या है, रेडियस है जो कि 35 दिया और हल्की सी गोलाई यहां पर दी हुई है, आर 25 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, 25 का रेडियस है। उसके बाद में देखिए यहां जो शाफ्ट बताई गई है, ठीक है ना, नकल ज्वाइंट की, जो कि डाया कितने का है, 25 mm, यानी इसकी जो थिकनेस है यानी इसका जो राउंड है पूरा कंप्लीट्स वो 25 mm का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो आपकी 30 mm की। तो ये क्या था, फोरक एंड। और अब जान लेते हैं इसका टॉप व्यू है ये हमें कितना दिखाई देता है। तो इसकी जो ड्राइंग है इस सेंटर से लेके, देखिए इस पॉइंट से लेके और ये सेंटर कहाँ पे, ये वाला है, ठीक है ना। जो लाइन हमें देखिए अंदर जो होल है, जो क्योंकि फ्रंट से देखेंगे हमें दिखाई नहीं देगा, तो देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन आई है ऊपर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो होल आपको नजर आया, क्योंकि इस फोरक एंड के अंदर से एक होल है, ठीक है। होल कितने का है, ये 25 का है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हल्की सी गोलाई दी गई है, आर 2.5 की दी हुई है। उसके बाद अंदर जो पिन जो लगेगी इसके वो कितने की है, वो है आपकी डाया 25 की, ठीक है ना, 25 mm की। और इस सेंटर से लेके और यहाँ तक ये जो दूरी दी गई है ये 100 mm की दी गई है। अगर फ्रंट में देखें तो इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 100 mm की है। तो ये कंप्लीट्स आपका क्या हो गया है, फोरक एंड हो गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नंबर दो पे देखेंगे, ये देखिए इसको बोलते हैं आई एंड सी एस, ठीक है ना। नंबर वन यानी ए की पार्ट्स दिया गया है, ठीक है। इसको आई एंड बोलते हैं क्योंकि ये आई का इंग्लिश का जो शब्द होता है, तो इसी तरह आपको ये नजर आ रही है, ठीक है ना। और सी एस यानी कास्ट स्टील की और ए की पार्ट्स ये दिया हुआ है। अगर इसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा सिंपल सा सिंपल दिखेगा, ठीक है ना। जो पार्ट्स और नीचे का टॉप की बात करें तो ऊपर से अगर इसको हम देखेंगे तो ये होल जो नज़र आ रहा है, तो इसकी देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन आई हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये ड्राइंग को है रीड करना है। इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, ठीक है ना, तो ये जो डाया दिया हुआ है ये 30 mm का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ दो दूरी दी गई है वो 80 mm की दी हुई है। अगर दूसरी तरफ से अगर इसको हम देखेंगे, ठीक है ना, ये जो यहाँ से यहाँ जो शाफ्ट का जो साइज है वो है 25 mm का, ठीक है ना। और सेम ये देखिए यहाँ पे जो पिन का जो साइज दिया हुआ है वो 5 यानी डाया जो रहेगा वो 25 का रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेडियस दिया हुआ है देखिए 2.5, तो ये इस तरह हमें रीड कर लिया, अभी ये डायमेंशन इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं पिन, ठीक है ना। तो ये कितने की MS, ठीक है ना, ये माइल स्टील की है और एक ही नंबर की ये दी हुई, यानी एक ही इसके अंदर आपको यूज करनी है नकल ज्वाइंट में। तो देखिए ये कंप्लीट्स जो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी गई है ये कितनी दी हुई है, ये आपकी कितनी थी, क्योंकि ये जो फिट होना है ये आपका इस होल में होगा, ये 25 डाया दिया हुआ था, ठीक है ना। इसकी टॉलरेंस के अनुसार ये आपको 25 ही रखनी है। उसके बाद ऊपर पिन का साइज देख लें, ये 12 mm है और इसका जो हेड जो रहेगा टॉप ऊपर ये 40 mm का है, यानी डाया 40 राउंड यानी 40 का है ये। उसके बाद में जो वो एक छोटा सा होल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 6 mm का है, यहाँ पे 5-6 लिखा हुआ ना, ठीक है। और ये जो दूरी दी हुई है 10 mm के ऊपर ये यहाँ पे होल किया हुआ है। तो ये कंप्लीट्स क्या थी आपकी, पिन थी। उसके बाद है टेपर पिन, ठीक है ना, ये कितने की है, 5 mm की, ऊपर कितना है 7 mm की, तो ये टेपर में। और ये कहाँ लगेगी, यहाँ इस स्थान पर लगेगी ये पिन,
कंप्लीट्स होने के बाद में, ठीक है ना। ये भी एमएस के ये एक ही आपको इसमें नकल ज्वाइंट में यूज करने हैं। उसके बाद कॉलर एमएस, ठीक है ना, ये भी माइल स्टील का है कॉलर, और ये एक ही पीस आपका रहेगा। इसका अगर डाया देखें तो 40 mm का है, ठीक है ना। और ऊपर का ये डाया कितना था, ये भी 40 का है, क्योंकि ये यहाँ पे फिट होना है इसके। और अंदर का जो ये जो पिन लगेगी, ये R3 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये सेंटर निकल यहाँ पे निकला हुआ है। और इसका जो अगर इसकी अगर विड्थ देखें, चौड़ाई देखें, तो ये आपकी 12 mm की रहेगी, और यहाँ से यहाँ जो डाया रहेगा ये रहेगा आपका 40 mm का, ठीक है। तो इसमें 5 यानी तरह के पार्ट्स हैं वो फिट किए हुए हैं, यानी अलग अलग किए हुए हैं, और इनको आप असेंबलिंग पे चलेंगे। तो देखिए इधर असेंबलिंग की हुई है, इस असेंबलिंग में जानेंगे भी कैसे कैसे फिट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक नंबर पे कहाँ पे है ये फोर्क एंड, तो सबसे पहले आपको फोर्क एंड बनाना है। तो ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए 20-20 दी हुई है, और 20 ये दी हुई है, ठीक है ना, और ये जो दूरी कितनी दी हुई है 30 दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, तो एज इट ही आपको ये यहाँ पे बना लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि ये आसानी से आप बना सकते हो, इसको देख के ही तो आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, ये लगाना है, ठीक है ना। इसका साइज कितना है, ये क्या आपका आई एंड है, ठीक है ना, आई एंड देखिए यहाँ पे आपको ये बनाना है। इसकी जो दूरी यहाँ पे कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे 30 दी हुई है, तो इसके अनुसार ये आपको फिट करना है। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, यहाँ पे 30 है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 30 दी हुई है। इस तरह आपको ये यहाँ पे फिट कर देना है, ये लगा देना है। इसके अगर लंबाई की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे यहाँ कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको दूरी लेके यहाँ पे 80 कर लेना है। उसके बाद में क्या काम करना है, आपको ये पिन लगानी है। पिन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 85 इसका साइज रहेगा लंबाई, और 12+ ये करना है, तो एग्जैक्ट आपको इसके अंदर ये फिट कर देनी है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। उसके बाद देखिए कॉलर लगा हुआ है, ये कॉलर आपको यहाँ पे लगा देना है 12 mm का, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए होल किया हुआ है यहाँ पे, तो ये होल यहाँ पे आपको कर देना है, और इसके अंदर ये टेपर पिन है ये यहाँ पे लगा देनी है। तो देखिए 25 का ये डाया था, ये देखिए ये जो डाया ये कितने का है, 25 का है, ये देखिए यहाँ भी 25 का है, और ये भी 25 का है। तो ऐसे आप बना सकते हो, जो डायमेंशन दी हुई है इसके अनुसार ये आसानी से आप कर सकते हो। ये डायमेंशन कहाँ पे है, ये डायमेंशन यहाँ पे है, देखिए 25 है तो यहाँ पे भी 25 है, 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बना सकते हो। तो उसके बाद हम चलते हैं टॉप व्यू, टॉप से हमें ये जो है वो कैसे दिखाई देगा, है ना, टॉप से कैसा दिखाई देगा, क्योंकि अगर ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें सर्कल नजर आएगा ये वाला। लंबाई की बात करें तो टोटल आपको अगर इसको प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। ये कैसे होगा, 100 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसकी जो दूरी है वो 80 है, टोटल ये मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल आप लगा सकते हो, कितने के जो सर्कल हैं वो आपको ये देखना है। देखिए 40 का है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 20 को प्रकार खोलना है और एक सर्कल आपको लगा देना है 40 का। तो ऐसे आसानी से आप बना सकते हो। यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, वो 80 है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स है, तो ये देखिए आई एंड है, तो ये आपका कितना है, 80 है, ये देखिए यहाँ से तक, तो ये आपको 80, और इधर वाला कितना है, 100 का है, तो ये आपका आसानी से, ये देखिए यहाँ पे ये 100 का है। तो ऐसे बना सकते हो प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी इजी होता है असेंबलिंग करना। कोई भी असेंबलिंग ले लीजिए, जो एज इट जो पार्ट्स होते हैं वही डायमेंशन आपको लेनी होती है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए भी सेट कैसे होंगे, ठीक है ना। तो सेट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये असेंबलिंग आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।